सेकंड ट्रांजेक्शन लूं तो अगर मैं आपको बोलता हूं परचेज गुड्स, खाली बोल रहा हूं परचेज गुड्स ₹200। अब आगे मैंने आपको देखो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में तो आपको मैंने क्या बात बोली थी कि परचेज गुड्स इन कैश, साफ साफ लिख दिया कि कैश में गुड्स परचेज किया। लेकिन अब मैं अगले ट्रांजेक्शन के अंदर आपको इन कैश नहीं लिख रहा हूं, मैं अगले ट्रांजेक्शन में आपको इन कैश नहीं लिख रहा हूं और केवल क्या लिख रहा हूं, परचेज गुड्स। तो अगर लिखा है परचेज गुड्स ना तो लिखा है आगे कैश नहीं लिखा हुआ, तो हमें क्या काम करना है, इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है। यानी आप देख लो दोनों ट्रांजेक्शन में फर्क क्या है, परचेज गुड्स पहले इन कैश था अब इन कैश नहीं है। तो बेटे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये लिखा हुआ ना हो आगे इन कैश, तो भी आप मानेंगे कि आपने गुड्स कैश में ही परचेज किए हैं। क्या मानेंगे आप, कि आपने गुड्स कैश में ही परचेज किए हैं। तो मैं नोट में लिख देता हूं, इन दिस ट्रांजेक्शन इट इज नॉट क्लियरली मेंशन, इन दिस ट्रांजेक्शन इट इज नॉट क्लियरली मेंशन दैट गुड्स परचेज इन कैश और नॉट। इन दैट केस वी शुड एज्यूम, इन दैट केस वी शुड एज्यूम दैट गुड्स आर परचेज्ड इन कैश। तो हम क्या मानेंगे कि हमारा गुड्स किस में परचेज हुआ है, कैश के अंदर। तो बेटे जब कैश में परचेज हुआ है तो फिर हम वही डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बना के अंदाजा लगा लेते हैं कि हुआ क्या है, कि ये है आपका बिजनेस और इस बिजनेस में आप खुद बैठे हुए हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन से आपने अपना गुड्स परचेज किया है। तो अब आप इसमें मान रहे हैं कि जब लिखा हुआ है साफ साफ गुड्स परचेज, गुड्स या गुड्स परचेज कुछ भी लिखा हुआ है और आगे नहीं लिखा हुआ कि इन कैश या कुछ और, तो हम मानेंगे कि हमने कैश दिया है और हम गुड्स परचेज करके आए हैं। हमने कैश दिया है और हम गुड्स परचेज करके आए हैं। देखो यहाँ डायग्राम के हिसाब से हमने परचेज किया है और परचेज किया है तो ये परचेज हमारे पास आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप खुद भी सोचें, विजुलाइज करें कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे पास आती ही है। आप अपने आप को यहाँ माने, अब आप देखें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि दो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, एक तो कैश और दूसरा परचेज। पहला आ रहा है कैश और दूसरा आ रहा है परचेज। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कैश जो है वो रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पिछले ट्रांजेक्शन में भी ये बात पढ़ी कि कैश पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि न किसी का नाम नहीं हो सकता, किसी बैंक का नाम नहीं हो सकता। परचेज भी पर्सनल अकाउंट नहीं है क्योंकि किसी का नाम, किसी बैंक का नाम नहीं हो सकता, और दोनों ही रियल की लिस्ट में आते हैं। और रियल का रूल क्या बोलता है, अभी अपन ने ऊपर चर्चा की इस बात की कि रियल का रूल कहता है कि आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। देखिए बेटे यहाँ पर कैश, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और अब आप यहाँ पर अगर अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। हमारे हाथ से कैश जा रहा है क्योंकि हम कैश देकर और क्या परचेज कर कर आ रहे हैं, गुड्स। तो परचेज हमारे पास आ रहा है यानी गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। तो आप यहाँ पर कैश में बाहर का एरो लगाएंगे क्योंकि कैश जा रहा है, और परचेज हमारे पास आ रहा है उसमें अंदर का एरो लगाएंगे। और अब हम रियल का रूल लगाते हैं तो हमारी बात क्लियर हो चुकी है कि जो आ रहा है वो डेबिट, और हम सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि तो पहले डेबिट वाला लिखते हैं, और टू जैसे स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं, टू कैश अकाउंट, और क्योंकि क्रेडिट से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, कैश, और आप लिखेंगे अमाउंट यहाँ पर 200 और जैसे थोड़ा सा तिरछे में लिखेंगे 200 इस तरीके से। तो ये आपकी जो है पूरी एंट्री बन जाएगी।
तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बेटे अब आ रहा है हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट। अभी तक हमने क्या बात पढ़ी थी? परचेज, परचेज गुड्स इन कैश, और दूसरे ट्रांजैक्शन में अपन ने क्या बात पढ़ी? परचेज गुड्स इन कैश नहीं लिखा हुआ था और केवल क्या लिखा हुआ था? परचेज गुड्स। तो बेटे देखिए, जब क्या होता है कि जब ऐसा लिखा हो परचेज गुड्स इन कैश हो तब आप समझ चुके हो, जब इन कैश नहीं हो तब समझ चुके हो। अब मैं तीसरे ट्रांजेक्शन में आपको ये दे रहा हूँ कि लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और आगे इन कैश नहीं लिखा हुआ। तो बेटे जब ऐसा लिखा हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो आप क्या मानते हैं? तो मैं आपको ये डायग्राम बना के समझाऊंगा कि हम मानते क्या हैं ऐसे केस के अंदर। तो बेटे ये था आपका बिजनेस, ये था आपका बिजनेस, और इस बिजनेस में बैठे हुए हैं आप खुद, और ये है राम, ठीक है, ये है साहब राम। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किया राम से, तो यानी राम के पास कुछ गुड्स पड़े हुए होंगे और हम गए और उससे जाके परचेज करके आ गए। तो बेटे अब मैं आपको क्या बात बताने वाला हूँ, नियम बताने वाला हूँ कुछ, कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं और आगे नाम लिखा हुआ होता है तो हम क्या मानते हैं कि हमने गुड्स उधार में परचेज किए हैं। समझ गए आप मेरी बात? इसमें लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अगर नाम लिखा हुआ हो और आगे इन कैश लिखा हुआ ना हो तो आप मानोगे कि हम राम के पास तो गए लेकिन हम उसको कैश देकर नहीं आए, हम उससे उधार में परचेज करके आए हैं। उधार, हमने बोला भाई राम हम तुम्हें 2 या 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, आज तुम हमें गुड्स दे दो। तो राम हमारा जानकार है, उसने हमें गुड्स दे दिए और अब हम उसको 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो बेटे आपको अब ये नियम तो बस पता लग गया होगा कि जब क्वेश्चन के अंदर नेम दे रखा हो और आगे कैश ना दे रखा हो तो हम इस ट्रांजेक्शन को, ये लेन देन जो होता है इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, हम इस ट्रांजेक्शन को उधार का ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है सर, समझ में आ चुकी है बात? हाँ, तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, अगर केवल परचेज गुड्स लिखा हुआ और आगे नाम नहीं लिखा हुआ और कैश भी नहीं लिखा हुआ तो आप मानेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कैश का ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर आगे नाम दे दें तो आप क्या मानेंगे कि वो ट्रांजेक्शन उधार का ट्रांजेक्शन है, हम कैश देकर नहीं आए हैं और उधार खरीद कर आए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। तो अब आती है बेटे बात, देखो यहाँ पर कि हमने परचेज किया राम से तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उधार का ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो अगर हम उधार का ट्रांजेक्शन मान रहे हैं तो देखना यह है कि इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो देखो बेटे, हम गुड्स परचेज कर कर आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो अफेक्ट हो रहा है, तो ये तो बात साफ ही समझ में आ रही है, यहाँ पे दिख रही है कि हम गुड्स परचेज करके आ रहे हैं लेकिन कैश देकर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कैश का नाम तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो किसका नाम लिखेंगे? राम। सर राम का नाम क्यों लिखेंगे? अब आपके मन में एक ही सवाल उठेगा कि सर राम का नाम हम क्यों लिखेंगे। तो हमारे मन में क्या सवाल उठा है कि सर हम राम का नाम क्यों लिखेंगे? तो मैंने आपको ये बात बोली कि बेटे अगर आप सोचे जरा, घर के पास में जो जनरल मर्चेंट की शॉप होती है, परचूनी की दुकान जिसे बोलते हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं, अब अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर आपके पापा ने वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा रखा है कि ठीक है महीने भर का जितना राशन होगा तो महीने भर का बिल एक साथ क्लियर कर दिया जाएगा, तो आप मान के चले अगर आप वहाँ पर समथिंग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई साबुन खरीदने गए या कुछ मैगी या ऐसा कुछ सामान खरीदने गए, तो वो दुकानदार क्या काम करेगा? वो दुकानदार ये देखेगा कि ठीक है, आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आए हो, तो आप बोलेंगे कि साहब मैं वो फलाना जगह से आया हूँ और मेरा घर का नंबर ये है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कि आप उस पर्टिकुलर घर से आए हैं और उसने आपके घर के नाम से जो अकाउंट खोल रखा है उसमें वो अमाउंट चढ़ा देगा, यानी कहीं ना कहीं उसने आपका नाम दर्ज कर रखा है और वो आपका नाम पूछेगा और उस नाम को दर्ज कर देगा, तो उतने नाम से आपका उधार लिख देगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जब भी हम उधार खरीद के आते हैं, कैश देकर नहीं आते, तो उस समय नाम को कंसीडर किया जाता है और नाम ही लिखा जाता है।
तो बेटे अब मैं समझता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जब भी गुड्स परचेज करेंगे और वो उधार में करेंगे, तो आपको नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ राम का नाम आएगा, और परचेज हो गया आपका रियल अकाउंट और राम है आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। तो हालांकि अगर आपके मन में अब तक ये विचार अगर चल रहा हो कि ऊपर वाला रियल है तो नीचे वाला भी रियल ही होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रियल एक पर्सनल हो सकता है, एक पर्सनल एक नॉमिनल हो सकता है, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों दोनों नॉमिनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों अकाउंट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो अलग अलग में अपन अलग अलग का रूल लगाएंगे। तो बेटे ये बात तो पहचान में आ गई कि दो अकाउंट थे और एक है रियल अकाउंट और एक है पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट का रूल तो आप जानते हैं। अब मैं अगर बात करूं पर्सनल अकाउंट की, तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, मैंने क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है जो पाने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पाने वाला व्यक्ति डेबिट, और क्या बोला था मैंने, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट और पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट का नियम है, और आपको तो रियल अकाउंट का नियम तो आपको पता ही है कि जो आने वाली वस्तु है वो डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। अगर आप यहाँ खड़े हैं, खुद अपने आप को खुद को यहाँ मानते हुए चलें, तो परचेज आ रहा है या जा रहा है, तो अब आप बोलेंगे सर देखो ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ देखता हूँ तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो परचेज मेरे पास आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बेटे, परचेज आपके पास आ रहा है, आपने परचेज को कर दिया डेबिट। और राम के केस के अंदर अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और मैं आपसे पूछूं कि राम पाने वाला है या देने वाला, तो इसका मतलब राम जो है देने वाला है। तो यानी आपने ये चीज देखी कि राम गुड्स को दे रहा है, तो राम कौन हो गया, राम देने वाला हो गया। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो क्या बात बोलता है कि जो देने वाला व्यक्ति है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेटा आपने जैसा कि देखा कि कई बच्चे ये चीज सोचते हैं, सर देखो एक चीज डिसाइड हो गई ना डेबिट, तो दूसरी चीज तो अपने आप ही क्रेडिट होगी, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन टफ होंगे तो वहां पर दो डेबिट एक क्रेडिट आएगा, दो क्रेडिट एक डेबिट आएगा, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो क्या है कि एक के दो ट्रांजेक्शन है, एक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो अगर आपने एक डिसाइड कर लिया तो दूसरे का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन बेटे ये अंदाजा ना लगा के हमें रूल के मुताबिक बात करनी है कि हमने ये चीज देख ली थी कि परचेज डेबिट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें राम के ऊपर गौर करना है। राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में हम देखते हैं कि जो पाने वाला व्यक्ति है वो डेबिट है और जो देने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो राम कौन है, देने वाला व्यक्ति है, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट वाला होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, नाम क्या गया, हमेशा पोस्ट ऑफ यस लगाना, राम्स अकाउंट, और ये हो जाएगा 300 और 300 रुपीज से। पहला ट्रांजेक्शन था हमारा, तो पहले ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने आपको बोला परचेज गुड्स इन कैश, दूसरे ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बोला परचेज गुड्स, और तीसरे ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी नाम लिख दिया। तो अब आपने क्या चीज देखी यहां पर, जब नेम दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं, उधार का ट्रांजेक्शन। तो इस बात को मैं नोट में लिख देता हूं, एज एंड वेन नेम इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन, नेम इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन, एज एंड वेन नेम इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन, वी शुड एज्यूम दैट, वी शुड एज्यूम दैट ट्रांजेक्शन इज, वी शुड एज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज उधार ट्रांजेक्शन। उधार मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये वो वाला क्रेडिट नहीं है जो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब होता है उधार का ट्रांजेक्शन। वी शुड एज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज उधार ट्रांजेक्शन, ऑलवेज name will be consider, always name will be consider। तो ऐसे केस के अंदर क्या consider करते हैं, केवल और केवल name consider करते हैं। तो आप समझ गए होगे इस बात को
एज एंड वैन नेम इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन वी शुड एज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज उधार यानी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन ऑलवेज नेम विल बी कंसिडर. तो उधार के ट्रांजेक्शन में आपको नेम कंसिडर करना है. तो चलिए बेटे बेटे अब मैं आपको आगे का एक पॉइंट और कराता हूँ जिसमें फोर्थ नंबर के पॉइंट में जो भी अभी अपना डिस्कशन हो रहा था तो वो बोलेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश रुपीज 400. तो परचेज गुड्स किया राम से इन कैश. ये देखो ये अब आपका ये हो गया आपका बिजनेस. ये देखो आप अब मैं आपको करा रहा हूं, अब आप समझना. ये आपका बिजनेस है ठीक है, और इस बिजनेस में बैठे हैं आप खुद ठीक है जी. अब आप इस बिजनेस में खुद बैठे हैं और ये कौन है, ये है राम. ये कौन है, ये है राम. अब की बार आपने क्या काम किया, इस राम से गुड्स तो परचेज किया लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि राम को हमने कैश दिया और कैश देकर आए हैं और गुड्स परचेज करके आए हैं. ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश देकर आए हैं और गुड्स परचेज करके आए हैं. तो गुड्स का खाता तो खुलता नहीं है तो इसकी जगह हमको क्या लिखना चाहिए, परचेज. तो क्या आ जाएगा, ये परचेज आ जाएगा. तो परचेज हमारे पास आ रहे. तो अब देखें बेटा, अब दो अकाउंट कौन कौन से अपन ने देखे जो अफेक्ट हो गए हैं. एक तो हो गया अपने पास परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ और दूसरा हमारा अकाउंट अफेक्ट कौन सा हुआ, कैश ठीक है. तो दोनों ही रियल अकाउंट थे, ये भी रियल है और ये भी रियल है. तो देखो बेटा रियल का रूल क्या कह रहा था कि जो आने वाली वस्तु है वो क्या हो जाएगी, डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, क्रेडिट. तो इस हिसाब से अगर हम एंट्री करें तो जो डेबिट वाली एंट्री है, मतलब जो डेबिट वाला है उसको सबसे पहले लिखते हैं. तो आपको एंट्री करते वक्त भी कैसे लिखना चाहिए, फाइनलाइज एंट्री ऐसी होती है, खाली ऐसे नहीं परचेज डेबिट, परचेज के आगे आप अकाउंट भी लिखें ऐसे A/C फिर DR परचेज अकाउंट DR और फिर जैसे स्पेसिंग छोड़ते हैं. अब आप थोड़े से स्पेसिंग पैराग्राफ जैसे छोड़ें और टू कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और ये 400 और यहाँ पर भी बेटे आ जाएंगे 400 रुपीज. देखो क्या होता है, डायग्राम हम अभी बना रहे हैं, ये सब चीजें हम अभी लिख रहे हैं, लेकिन फाइनलाइज क्या होगा जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. तो ये डायग्राम नहीं बनाने हमें क्या करनी है, ये वाली जो एंट्री होती है ना ये फाइनलाइज ये वाली एंट्री करनी होती है केवल. तो बेटा इस एंट्री को धीरे धीरे हमें इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि इस एंट्री को हम दिमाग में ये सारे डायग्राम बनाना चालू कर दें और ये एंट्री फाइनलाइज कर दें, क्योंकि हमें तो नंबर इसी एंट्री के मिलने हैं. तो आप इस एंट्री को बहुत बढ़िया तरीके से लिखें, आगे अकाउंट और DR और स्पेस करके ऐसे टू कैश प्रॉपर तरीके से लिखना है. फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन देखेंगे अब अपन. इसमें लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 500. हमने गुड्स सोल्ड किसके अंदर किया, कैश के अंदर किया. कितने रुपए का किया, 500 रुपीज का किया. तो देखो किस तरीके से हुआ. आप मुझे बोलोगे कि देखो सर ये है हमारा बिजनेस, ये आपका बिजनेस है और इसमें बैठे हो आप खुद और ये एक पर्टिकुलर पर्सन है और आपने उसको गुड्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए. अब की बार आपके पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे और आपने ये गुड्स इसको बेच दिए और इससे क्या ले लिया, कैश ले लिया. आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो ये जो गुड्स थे ये आपके हाथ से चले गए और किसके पास गए, इस पर्सन के पास. और इसने आपको क्या दे दिया, उसके बदले में दे दिया कैश. उसके बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया. तो बेटे हमें ऐसे ही लिखना है कि हमारे दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक होगा सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा कैश अकाउंट. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, हमने पहले भी देखा था रियल की लिस्ट में था. कैश भी हमारा रियल अकाउंट है. तो रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल ये कहता है जो आने वाली वस्तु है डेबिट और जाने वाली वस्तु है क्रेडिट. जब आगे आपसे एक्सप्लेनेशन मांगू मैं तो आप अपना एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखकर, पूरा डायग्राम लिखकर और जो दो अकाउंट अफेक्ट हुए उनका नाम लिखकर, वो कौन कौन से अकाउंट है, रियल है या पर्सनल है, उनके नाम लिखकर फिर देंगे. तो सेल्स रियल है, कैश भी रियल है. रियल का रूल ये कहता है जो आने वाली वस्तु है वो डेबिट और जो जाने वाली वस्तु है वो क्रेडिट. अब आप यहां पर हैं,
अब आप सोचिए कि सेल्स आपके हाथ से जा रहा है, अगर सेल्स जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कैश आपके पास आ रहा है तो जो आ रहा है उसको हम कर देंगे डेबिट। तो बेटा देखो, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया, हम मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुका हूँ, हमेशा हमें डेबिट वाली चीज पहले लिखनी है। तो यहां पर देखो, कैश डेबिट हुआ था तो अब आप कैश को पहले लिखोगे। कैश अकाउंट, कोई डैश नहीं आएगा, डीआर डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, डीआर। और अब आप जैसे स्पेस छोड़ते हो वैसे थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ेंगे और क्रेडिट से पहले टू लिखेंगे। तो टू, और हम जानते हैं सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो टू सेल्स आ जाएगा, तो टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री करनी है हमें। ये प्रेजेंटेशन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, प्रेजेंटेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है सिक्स नंबर का, गुड्स सोल्ड रुपीज 600। क्या लिखा है मैंने कि गुड्स सोल्ड रुपीज 600। ना तो यहां पर नाम दे रखा है और ना यहां पर कैश दे रखा है। और जब नाम और कैश दोनों नहीं होता तो हम अपने पिछले ट्रांजेक्शन में भी कर चुके हैं कि इसको क्या करते हैं, आपको पता है। तो देखो, अगर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड तो गुड्स सोल्ड के वक्त भी वही एंट्री करनी है हमें। ये मान के चले आप खुद हैं और ये इसमें आप खुद बैठे हुए हैं बिजनेस के मालिक। और अगर गुड्स सोल्ड लिखा होता है तो भी हम ये मानते हैं कि हमने गुड्स किस में सोल्ड किया है, कैश में सोल्ड किया है। तो हमारे पास कुछ गुड्स थे और हमने ये गुड्स सोल्ड कर दिया और सेल्स किया है, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मानेंगे कि कैश में किया है, तो कैश भी हमारे पास आएगा। ऑब्वियसली बात है, कैश आएगा हमारे पास गुड्स सोल्ड करने पर। तो दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक तो सेल्स और दूसरा कैश, सेल्स और दूसरा कैश। और ये रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। तो जब दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का ये रूल कहता है जो आ रहा है वो डेबिट, यानी आपके बेचने से कैश आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट, और सेल्स आपके हाथ से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब आप देखिए मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, 600 और 600। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें, थैंक यू।